अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। इतनी रात को ये दोनों गए तो ऐसा तो नहीं इन दोनों के हाथ वो सबूत लग गए हो? मोहन नाम है उसका, रूम नंबर 402 में ठहरा हूं। 402 बता किसके कहने पे कर रहा था ये सब? बोल। आप ही के घर की, वरना तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। ये सब इसका किया था रायर, मुझे तो पहले से ही शक था इस पर। आज से इसका खाना बंद, पानी बंद। कुछ समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हर चीज के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या बताते अभी इन लोगों को? किससे बात कर रहे थे? नितिन से कैसे बताते कि नितिन को सब पता चल गया हर्षी के बारे में? इसलिए वो आया था, हमें ले जाने आया था यहाँ से, कैसे बताते? पापा जी और राजेश भैया को तो पहले ही से ही शक है कि कोई हर्षी के खिलाफ साजिश कर रहा है। ऐसे में बता देते तो फिर वो नितिन के साथ पता नहीं क्या करते। नितिन की जान तो खतरे में नहीं डाल सकते ना, कैसे होने देते हम ऐसा? प्लीज भगवान, प्लीज किसी को भेज दो हमें बचाने के लिए, प्लीज हमारी मदद के लिए किसी को भेज दो। हम जानकी भाभी को ऐसे बंद नहीं कर सकते। और किस बेसिस पे? ये लेटर के बेसिस पे। इस लेटर से तो ये प्रूफ तक नहीं होता कि वो रिपोर्टर से मिली थी, किस बेसिस पे डैड? लेकिन जानकी भाभी पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, इससे तो यही प्रूफ होता है ना कि वो कैसे भी करके सबके सामने हर्ष भैया का सच लेके आना चाहती थी। रूही, भाभी पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी हर्ष भाई को बचाने के लिए, उन्हें एक्सपोज करने के लिए नहीं। वो तो मेरे साथ थी मंदिर में यार, कैसी बातें कर रही है? अगर उन्हें एक्सपोज करना होता तो मंदिर में अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनके पास। डैड, जो बंदा पैसे लेकर ऐसे ब्लैकमेलिंग करता फिरता है, ऐसे इंसान के लिए किसी पे इल्जाम लगाना कौन सी बड़ी बात है? वेट अ मिनट, उसने तो घर की बहू के लिए बोला था ना, और इस घर में तो दो बहू है। नहीं वंदना भाभी, जिगर बकवास बंद कर, वरना पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं, समझा? एग्जैक्टली माय पॉइंट राजेश भाई, बेवजह इल्जाम लगाना बहुत इजी होता है, और यही तो हम सबने किया जानकी भाभी के साथ। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जानकी भाभी ना हर्ष भैया से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, और ये रिश्ता था ही इतना अजीब। वंदना भाभी, हाँ आप ना बिल्कुल सही कह रही थी, जानकी भाभी सिर्फ मौका ढूंढ रही थी यहाँ से भाग जाने का, इसीलिए मुझे लगता है ये उन्होंने किया। फिर भी नहीं प्रूव होता कि वो रिपोर्टर से मिली थी। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। सविता जी, माँ को लेकर अंदर जाओ। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जानकी इनोसेंट है, पर ये भी तो सच है ना कि कल रात को वो घर से बाहर किसी से मिलने गई थी, राजेश ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो अगर वो रिपोर्टर नहीं था तो कौन था वो? और जानकी उसका नाम क्यों नहीं दे रही है? जानकी का नाम न देना ही उस पर शक पैदा कर रहा है। शिखर, अगर तुम चाहते हो कि जानकी कमरे से बाहर निकल आए तो आई वॉन्ट आंसर्स, वो किससे मिलने गई थी? जब तक वो इंसान का नाम नहीं देती वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी।
क्या लगा था तुम्हें? अपना सीक्रेट हमसे छुपाओगी, हमसे झूठ बोलोगी? नितिन, पापा जी, ये सब क्या 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 कर रहे हैं आप लोग नितिन के साथ? क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारी फैमिली को एक्सपोज करेगा तू? सबको सच बता रहा है तुझे? पापा जी, वो बोल रहे राजेश भैया, राजेश भैया नहीं, राजेश भैया छोड़े नितिन को। बता सच, हाँ, सबको सच बताएगा, बोलो। राजेश भैया, पापा जी बोलिए ना, राजेश भैया छोड़िए। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़िए महाराज, मर जाएगा, क्या कर रहे आप लोग? मम्मी जी, पापा, पापा का इस वक्त फोन? हेलो जानकी। बेटा तू ठीक है ना? बड़ी बेचैनी सी हो रही थी बेटा, बहुत बुरा सपना देखा कि तू मुसीबत में है, रानी गया बेटा, इसलिए फोन किया। तू ठीक है ना? हाँ पापा, हमें क्या होगा, हम एकदम ठीक है। ऐसे अचानक से क्यों पूछ रहे हैं सब? और इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं आप? आपको पता है ना, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं इतनी रात तक जागना। अरे जानता हूँ बेटा, पर क्या करूँ, बाप हूँ ना। थोड़ी सी घबराहट हुई तो सोचा कि तुझे फोन कर लूँ, अब आराम से सो जाऊंगा। जानकी बेटा, तू ठीक तो है ना? बेटा मैं जानता हूँ तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है ना, तू किसी को बताती नहीं है, अपने पापा तक को भी नहीं। देख बेटा, बात कर लिया कर, आज मुझे बेचैनी हुई, मैंने तुझे फोन किया ना, वैसे तू भी कर लेना है। एक एक प्रॉमिस कर, कभी भी कोई तकलीफ कोई परेशानी होना बेटा, अपने पापा से मत छुपाना, बात कर लेना। हा? हाँ पापा, हम प्रॉमिस करते हैं। आपसे शेयर नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? सिर्फ पापा थोड़ी है हमारे, हमारे बेस्ट फ्रेंड है आप, तो आपसे तो सब कुछ शेयर करेंगे ना। आप हमारी टेंशन मत लीजिए, आप बस अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। हाँ, और अगली बार से इतनी रात तक मत जगिएगा, ठीक है? सो जाइए अभी, हम भी सोने जा रहे हैं। गुड नाइट पापा। ध्यान रखना अपना बेटा। इतना झूठ बोल रहे ना हम अपने पापा से, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने पापा से किसी भी बात के लिए झूठ बोला है। आज बोल रहे, समझ नहीं आ रहा कैसे बताएं उनको कि हम किस सिचुएशन में फंसे हैं, कैसे बताएं उनको कि हम इस घर में कितना टॉर्चर हो रहा है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। कैसे बोले उनको कि आज जी कैसे है हमारी शादी एक बच्चे जैसे दिमाग में वाले आदमी से हुई है, कैसे बताएं? अब्राहम शास्त्री जैसे खतरनाक आदमी की बहू है,
इतने दिन से हमें एक रिपोर्टर ब्लैकमेल कर रहा था। जब हमने उसे पकड़ा तो पता क्या चलता है कि इस घर की बहू से सब करवा रही थी। राजेश भैया ने बोला था कि इस घर की बहू उस रिपोर्टर से मिली हुई है, तो अगर वो हम नहीं है तो इसका मतलब वंदना भाभी। इसका मतलब ये सब वंदना भाभी ने किया है। उन्होंने शादी की पहली रात में ही हमें लाल साड़ी दिया, ये जानते हुए भी कि हर्षी को लाल रंग से प्रॉब्लम है। फिर रात को उनका घर से बाहर निकलना, मंदिर में हमें मिलना और फिर पापा जी के स्टडी रूम में भी, हर जगह वो हमें दिखी है। इसका मतलब ये वंदना भाभी है जो हर्ष जी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती है। और इन सारी चीजों में हम फंस गए, हमें पापा जी को इसे बताना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा कि ये सब कुछ वंदना भाभी कर रही है। कैसे यकीन दिलाएंगे? सब तो यही मानेगा कि वंदना भाभी को इस घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई हमारे बाप पर विश्वास नहीं करेगा। भगवान, हम करें तो क्या करें? कैसे सिचुएशन से बाहर निकले, क्या करें? जब तक हमें वंदना भाभी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हमें चुप रहना चाहिए। तू मेरी टीम में है कि उसकी टीम में है? मैं तो आप गुड़िया गंदी बच्ची है, को मालूम नहीं है गंदी बच्ची, उसने मुझे 30 जोड़ की मारा है, दर्द हो रही है। अच्छा मुझे ये बता दो, प्लीज एक बात, पहले आपने मारा था या भाभी ने मारा था? ये तो मैंने सोचा नहीं। आप सोचो आराम से सोचो। मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना शिखर, तो फिर मैं कैसे पहले मारूंगा? उसने मैंने तो मारा था क्या, उसने मारा था पहले? बता शिखर क्या हुआ था? ना यहाँ पे सो रहा था ऐसे करके, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि गुड़िया ना मुझे ना ऐसे खींच के मुझे कहीं लेके जा रही है। वहाँ पे ना काले कपड़े पहन के लोग थे, वो गंदी सी जगह थी, और फिर मैं डर गया और फिर मैंने गुड़िया को धक्का दिया और फिर वो लोग ना मुझे ऐसे पकड़ रहे थे और वो मुझे ना मुझे बहुत डर लगा, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मार देंगे, मैं बहुत डर गया था। गलती नहीं है, भगवान जी मुझे पाप नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई कभी कुछ गलत कर सकता है? कभी भी नहीं। उड़िया कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास लेके चलना। वो भाई भाभी तो ना सो रही है, जब वो सोकर उठेंगी सुबह तब आप सुबह मिल जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ आप भी सो जाओ ताकि फटाफट से सुबह हो जाए तो फिर आप भाभी से मिल सकते हो। ठीक है, फिर मैं सो जाता हूँ। बिल्कुल सो जाओ। What a good boy my भाई is, what a good boy। I'm sorry भाई, मुझे भाभी के बारे में आपसे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच आपको बता नहीं सकता और इस झूठ में आप दोनों का भला है। आई विश कल सब ठीक हो जाए। मेरे भले के लिए दी ने मुझे रोक दिया, उनके ससुराल वालों के खिलाफ कुछ नहीं करने दिया, पर दी इस वक्त आपको हमारे बारे में नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। इस नर जैसी जिंदगी से कैसे निकलना है ये सोचना चाहिए, पर आप हमेशा हम सबके लिए अपने आप को मारती रहीं, और आज भी आपने ये किया, अब क्या करें? आपने तो हमें घर जाने के लिए बोल दिया, आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जाएंगे हम? क्या कहेंगे पापा से? सच कहेंगे तो पता नहीं पापा का क्या हाल होगा, और झूठ कहेंगे तो कैसे नजरें मिलाएंगे उनसे? क्या करें थी हम? हर्ष भैया, भैया उठ जाइए, सुबह हो गई, देखिए हम आपके लिए जूस लाए हैं। राधा, हाँ वो गुड़िया कहाँ है? वो तो स्टोर रूम में है ना, कल रात उन्हें बंद कर दिया गया था। क्यों कर दिया उसको बंद? पता नहीं भैया, उन्हें तो कुछ खाने पीने को देने से भी मना किया है। गुड़िया उस अंधेरे रूम में कैसे रह रही होगी? कितना डर लग रहा होगा ना उसे, क्योंकि वहां तो काला भूत भी रहता है। वो नॉट गुड, ये नहीं पीना मुझे गुड़िया, ये ले जाओ इसको राधा। भैया नहीं, ये मैं नहीं पीऊंगा राधा। हाँ भैया, मुझे चॉकलेट जूस पीना। ठीक है भैया, लाते हैं। मेरी गुड़िया को बंद कर दिया क्यों?
शिखर भी कितना गंदा बच्चा है ना, मुझे झूठ बोलता है एकदम, मुझे झूठ बोला उसने। भगवान जी बाप देते हैं अगर जो झूठ बोलता है, उसने मुझे गुड़िया के बारे में कुछ बताया नहीं। भगवान जी मुझे भी तो पाप देंगे ना, मैंने भी तो उसका लगता है कल रात वाली बात को लेकर हर्ष अभी भी डरा हुआ है। हर्ष बेटा। मम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा किसी बात का डर तो नहीं लग रहा है ना तुमको? मम्मा मुझे चॉकलेट जूस पीना और फ्रेंच फ्राइज खाने, उनको बोलो ना था बना देंगे। नहीं हर्ष, सुबह सुबह जूस पीते हैं पहले। मम्मा मुझे वही खाना है। राधा हर्ष बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ओहो मैं अकेले में खाऊंगा ना, आप लोग जाओ ना प्लीज। नहीं तुम जूस का पहले जूस पी लो। मैं जूस बाहर पीऊंगा। लेकिन हर्ष मैं क्यों ले आई तुम इसके लिए, सुबह सुबह इतना अनहेल्दी होता है, पहले जूस पी लेना। जर्नलिस्ट ठीक तो है ना? पापा नजर रखे हुए हैं, जैसी कुछ खबर मिलेगी तुरंत बता देंगे हमें। ठीक है। डैड मैंने कल हर्ष भाई से बात की थी। तो ये डैड की, उन्होंने मुझे बताया कि जो कल रात को हुआ उसमें जानकी भाभी की गलती नहीं थी। उन्होंने कोई बुरा सपना देखा था, उन्हें लगा जानकी भाभी उन्हें नुकसान पहुंचाने आई है, इसलिए उन्होंने पलट के उन पर हमला किया। बेसिकली जानकी भाभी की गलती नहीं थी। हम तो पहले से ही जानते थे कि इसमें जानकी की कोई गलती नहीं। डैड मेरा पॉइंट ये है कि अब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो भाभी को स्टोर रूम से बाहर निकाल देते ना। Come on, Dad, please. अगर आप कहें तो जानकी के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं, बेचारी भूखी प्यासी पड़ी है। बेचारी ने कल रात से पानी तक नहीं पिया है। जब तक वो सच नहीं बताती उसे ना खाना मिलेगा ना पीने के लिए पानी मिलेगा। तू भी ध्यान से सुन ले, जानकी उस कमरे से बाहर तब तक नहीं निकलेगी जब तक वो उस इंसान का नाम नहीं बताएगी जिसे वो मिलने गई थी। Have I made myself very clear? उसने हमारी रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश की है, कोई दया नहीं करेंगे उस पर हम। वो सब हम बात नहीं करेंगे, आप पहले आइए ना। गिर जाए क्या? मैं अंदर नहीं आ सकता गुड़िया, अंदर काला भूत है ना और बहुत अंधेरा भी है, मुझे डर लगेगा ना गुड़िया। कोई नहीं है, हम है ना, हम काला भूत को भगा देंगे। आप आइए। देखो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। हम आइए आइए। एक सेकंड। पता है क्या हुआ था? मुझे ना एक सपना आया, मैंने एक बहुत बुरी आंटी थी, उसने मुझे ऐसे करके पकड़ा, मुझे ना खींच के लेके जा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं चिल्ला रहा था कि मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ। ये कौन सी गंदी जगह की बात कर रहे हैं? बस ये देखिए काला भूत भाग गया।
मेरी वजह से यहाँ पे रहना पड़ा ना गुड़िया। अरे मैंने जान के नहीं मारा था तुमको, पता है क्या हुआ था? मुझे ना एक सपना आया, उसमें ना एक बहुत बुरी आंटी थी, उसने मुझे ऐसे करके पकड़ा, मुझे ना खींच के लेके जा रही थी वो, और वो मुझे ना, मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं चिल्ला रहा था कि मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ। ये कौन सी गंदी जगह की बात कर रहे हैं गुड़िया? मुझे लगा वो सपना नहीं है, मुझे लगा वो असली में मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैंने तुमको मार दिया। सॉरी। ये कोई बात नहीं है। गुड़िया तुम क्यों देख रही हो? जब मैं कहूंगा तब देखना। ओके। थ्री टू वन। आपको कोई कहीं लेकर नहीं जाएगा, हम हैं आपके साथ। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? कब का? गुड़िया तुम मेरी कितनी हेल्प करती हो, मुझे खाना भी खिलाती हो, मुझे कहानी भी सुनाती हो, मुझे सलाह भी देती हो। तुमने मेरा बर्थडे भी कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया ना, तुमको पता है गुड़िया मेरा बर्थडे किसी ने नहीं सेलिब्रेट किया, सिर्फ तुमने किया। मैंने तुमको मार दिया, मुझे भी मार दो। बात नहीं, कोई बात नहीं है। सॉरी मैं नहीं मारूंगा तुमको, अब खुश कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। क्या हुआ? इधर रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ पर? यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे गुड़िया तुम क्यों देख रही हो? उधर मुंह करो, देखो उधर मुंह करो, तुम मत देखो, जब मैं कहूंगा तब देखना। ओके। थ्री टू वन। सॉरी गुड़िया। बताओ हमें के उस रिपोर्टर को तुमने पैसे नहीं दिए फोटो खींचने के लिए, बोलो। मुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जानकी भाभी निर्दोष है, ये फोटोज पे ये स्टैम्प देखिए। और उस रिपोर्टर ने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर की बहू? ये वही है जो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। बताओ कौन तुम्हें पैसे और फोटोग्राफ्स दे रहा था हमें ब्लैकमेल करने के लिए?